क्यों अचानक रुक गए भाई? अच्छा कहाँ से आए हो आप लोग? ये नया और पुराना वाला देखो, धीमे धीमे अपने टैंक पे डाल दो। अरे फर्स्ट टाइम मैं ये सामने वाला टायर चेंज कर रहा हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आशा करिए आपने भला आसुन। तो मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए और एक फ्रेश न्यू ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो भाई इधर वीडियो बना रहा था तो ये देखो अचानक दो भाई आ गए, इधर फोटो वोटो खींच रहे हैं। भाई कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग सामने से आया है। ओह क्यों अचानक रुक गए भाई? अच्छा लगा बाइक को देख के? अच्छा लगा बाइक को देख के इसीलिए। ओह तो भाई वीडियो बना रहे थे, अचानक दो बंदे आ गए, देखो बहुत ही प्यार तरीके से अपने फोटो खींच रहे हमारे बाइक पे। अच्छा लगा बाइक को देख के? बहुत अच्छा लगा। तो आपका वीडियो भी यूट्यूब पे आएगा, देख लेना, द वायरस ब्लॉग सर्च कर लेना यूट्यूब पे। ओके ओके ओके। तो भाई अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन था कि भाई वायरस भाई वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, इतना दिन से क्यों वीडियो नहीं आ रहा है। तो भाई वीडियो नहीं आ रहा है अपना थोड़ा आलसी के कारण। तो भाई अभी प्रॉपरली वीडियो आएगा, प्रॉपरली सब कुछ होगा। अच्छा लगता है ये सब चीज़, अपना बाइक पे जो मैंने मेहनत किया है, जो कुछ भी किया है, अपना क्रिएटिविटी किया है, उसका थोड़ा रिजल्ट मिलता है ना ओपोनेंट से, तो अच्छा लगता है। तो भाई उधर से निकल गया हूँ भाई, वो लोग ना मैं अकेला में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन वो दोनों दो कोई बंदे आ गए थे, अच्छा ही लगा आके फोटो वोटो खींच रहे हैं मेरे बाइक पे। तो मेन टॉपिक क्या था भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख चुका होंगे। ये देखो भाई, देख सकते हो 27,000 मेरा बाइक चल चुका है, मेरा एमटी। ये वीडियो बस उन लोगों के लिए है, मैं प्रॉपरली बोल देता हूँ, इसको ही अपना दिल पे मत लेना। ये वीडियो उनके लिए जो जिनके पास सिर्फ बाइक है, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जिनके पास बाइक है एमटी, खास करके एमटी, तो उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ना भाई इस बाइक को लेते हुए मेरा पूरा 2 साल हो गया, इसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया हूँ, इसको लेकर इतना दूर दूर जा चुका हूँ। तो इस पर क्या लगता है, क्या इस पर एडवांटेज है, क्या इस पर एडवांटेज है, सब कुछ मुझे पता है। तो ये देखो 27,000 चल चुका है। तो उसके बाद सर्विसिंग कॉस्ट क्या आता है, सर्विसिंग में क्या क्या चीज़ लगता है, वो सब चीज़ मैं आप लोगों को प्रॉपरली आज प्रॉपर दाम के साथ, कौन सा चीज़ किस किस चीज़ में काम आता है, वही मैं आप लोगों को आज कट टू कट बताऊँगा, कट टू कट बोलूँगा, कट टू कट रेट भी बोलूँगा, क्या क्या चीज़ चाहिए और वो चीज़ क्या काम करता है वो भी मैं बताऊँगा। तो सीधा चलते हैं मेरा बाइक सेंटर, मेरा बोल रहा हूँ मतलब सबका बाइक सेंटर की तरफ, मेरा फेवरेट जगह की तरफ। तो उधर जाके सब कुछ सामान लूँगा मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी लूँगा सब वीडियो पे आप लोगों को दिख जाएगा। जो भी एमटी ओनर है, ये आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सिर्फ आप लोग ध्यान से देखो बिना स्किप करके, और मेरा बातें जो भी बातें बोलता हूँ, जो भी लफ्ज़ से निकलता है, वो सब भी आप लोग सुनो। सिर्फ जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे को पहले से देख रहे हैं, उनको पता होगा मैं लास्ट टाइम कौन सा इंजन ऑयल, कौन सा चीज़, कौन सा फिल्टर, कौन सा जो भी है चीज़ डलवाया था, उन लोगों को पता होगा। तो इतना सब रन होने के बाद 27,736 रन होने के बाद क्या क्या चीज़ इस बाइक को मतलब चाहिए, ये चीज़ ये बाइक चाहता है, इसको मतलब ज़रूरी है इसके लिए, तो वो सब चीज़ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मैं आज दिखाऊँगा। बस वीडियो पर बने रहो, हर एक छोटा छोटा चीज़ क्या क्या काम आता है सब कुछ दिखाऊंगा। तो लेट्स गो बॉयज, मेरे साथ बने रहो वीडियो पे, सीधा चलते हैं जहाँ पे जाना है जाऊंगा, पहले क्या करना है वो भी बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ चलो मेरे साथ वीडियो पे, लेट्स गो। ये तीन चीज़ असर मार्केट में मिलता है, मॉडिफिकेशन शोरूम या वर्कशॉप में भी। तो शोरूम से क्यों लेना चाहिए मैं बोलता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा कि भाई शोरूम पे ओरिजिनल मिलेगा, वो तो ठीक है, लेकिन और एक बात है मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद, वीडियो देखते रहो, पूरा काम अभी बाकी है। तो ये शोरूम से क्यों लेना चाहिए, एक वैलिड पॉइंट 2-3 पॉइंट है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी ये बैग से घुसा देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ सीधा बाइक सेंटर पे। और इधर यहाँ मेरे बाइक पे कुछ एक अलग चीज़ देख रहे हो, ये हैंडल बार, हैंडल बार के ऊपर मैं अलग से और एक वीडियो लाऊँगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। इधर देख सकते हो हमारे, इधर उधर सिर्फ गाड़ी घुमाते हैं, चारों तरफ देखते नहीं है। Few moments later. दो डॉक्टर मेरे बाइक ठीक कर रहे हैं। ये क्या है जानते हो? डीएसएलआर ये गोप्रो है भाई, डीएसएलआर नहीं है ये। 27,000 रन होने के बाद ये देखो, मेरे फर्स्ट टाइम मैं ये सामने वाला टायर चेंज कर रहा हूँ, पीछे वाला तो टायर चेंज कर दिया, एक वीडियो था जिन लोगों ने देखा तो देखा। अभी मैं लगा रहा हूँ ये वाला टायर अपोलो का, ये अल्फा नहीं है, नॉर्मल अपोलो है। तो इसका प्राइस है मैं बता देता हूँ 1800 रुपये, 1800 ऐसे समथिंग ऐसा है, यह भी लगेगा। चलो लगाओ टायर, उधर लगने दो, एक छोटा सा एयर फिल्टर लगाने के लिए इतना सारा चीज़ खोलना पड़ता है। ये देखो भाई, एक छोटा सा एयर फिल्टर लगाने के लिए इतना सारा चीज़ खोलना पड़ता है। और ये रहा अपना सब सामान, ये रहा अपना इंजन ऑयल, बाहर से भी ये दो स्क्रू दिखता है, ये सिर्फ अंदर वाला जो स्क्रू है इसके लिए पूरा इतना खोलना पड़ता है। ये अपनी लग रही नया भाई, ये नया और पुराना वाला देखो, ये नया और पुराना वाला,
चलो लगा दो भाई। भाई मेरा एक एयर फिल्टर ने कितना टाइम ले लिया देखो, दिन को आया था, रात हो गया अभी। जो मैं ये डलवा रहा हूँ, पहले भी ये डलवाया था, ये अब भी ये डलवा रहा हूँ, इसका कारण यही कि उसके पहले और दो डलवाया था, लेकिन उन सब में से परफॉर्मेंस इसका अच्छा लगा। मतलब 4950 माइलेज ये मतलब आसानी से दे देता है। और मैं जैसा चलाता हूँ आप लोग तो देखते हो, मैं इस टाइप का चला के ये 4950 48 ऐसा दे देता है, और मुझे माइलेज नहीं चाहिए, तो यही बेस्ट है मेरे लिए। और अभी ये कोलिन भी ले लिया, ये कोलिन डालूंगा, इतना नहीं चाहिए, थोड़ा चाहिए, तो जब भी कम होगा घर से मैं डाल सकता हूँ, तो ये आसानी से लग जाता है, आप खुद भी कर सकते हो अपने घर पे। तो चलो अभी लगने देते हैं पूरा सब कुछ सामान, उसके बाद पूरा तैयारी से बताते हैं, दिखाते हैं आप लोग। अभी पूरा टायर लगेगा, आप लगने दो टायर, ये मेरा लग गया नया टायर, जो भी लगना नहीं दे अपोलो का, H1 नहीं है, सिर्फ अपोलो का है, ये देखो अपोलो। उस दिन तो गाइस रात हो गया था, इसीलिए वीडियो कंप्लीट कर नहीं पाया, और ये रहा एक दूसरा दिन जहाँ पे मैं आके अभी वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। एक छोटा सा पार्ट रह गया था जो आप लोगों को दिखाना था, पेट्रोल पंप पे आया हूँ, ये भी कारण है, आप लोगों को पेट्रोल पंप पे आना पड़ेगा। तो अभी जाके कम से कम ना जितना जो लोग जितना अगर फुल टैंक हो तो फुल टैंक भी करवा लो, जो जितना तेल पेट्रोल रहेगा उतना अच्छा है। तो पहले पेट्रोल भरवाता हूँ, उसके बाद आके मैं बोलता हूँ क्या क्या चीज़ करना है। मैं भाई गरीब हूँ इसलिए 500 का ही भरवाया, आप लोग अपना ज़्यादा भरवा लेना। तो इसका ये जो एक चीज़ बोतल लिया है ना, मतलब इसका प्राइस 163 रुपीज़ है, तो जिसका जितना पेट्रोल होगा उसका उतना अच्छा होगा। तो ये धीमे 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 अपने टैंक पे डाल दो, साइड पे थोड़ा भी ना गिरे ऐसा ध्यान रख के। ये हो गया, तो इसका काम है, इसको बोलते हैं कार्बन क्लीनर। तो ये अपना जो टैंक पे जितना भी कार्बन गिरा हुआ है ना सब कुछ साफ़ करवाता है। थोड़ा दिन अगर वीडियो बनाना बंद कर दिया ना क्या क्या हो जाता है भाई, मैं वीडियो बना भी नहीं पाता हूँ। बस धीरे धीरे सब कुछ कंटिन्यू करूँगा भाई साहब, आप लोगों का सिर्फ सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड बाय बाय, टेक केयर।